तो ये जो हाउस बोट्स जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं अभी, ये एक्चुअली मेरे कॉटेज के पास में से गुजर रहे हैं, और इनमें आप रह भी सकते हो, रेस्टोरेंट भी है, सब कुछ है। मैं जिस कॉटेज पे था, ये वो कॉटेज है। अंदर कुछ ऐसा है, तो ये मुझे 1800 में पड़ा फॉर सिंगल पर्सन। टू पर्सन होते तो 2500 पड़ता। और इनके नीचे और भी बने हुए कॉटेजेस। ये हो वो कॉटेज, और यहाँ से बैक वाटर्स आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर 2022, और मैं हूँ कुमारकम में। कुमारकम एलएपी से 30 किलोमीटर दूरी पे है, और ये एक विलेज एरिया है। आज मैं निकलने वाला हूँ मुन्नार तक। कुटीनाड बोल के एक जगह है जो इंडिया का सबसे लोएस्ट प्लेस है, वहाँ से जाने वाला हूँ मुन्नार। तो निकलते हैं राइट पे, और पीछे आप देख सकते हैं बोट्स यहाँ से आते जाते रहते हैं। ये एक्चुअली एलएपी साइड से ही आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। ये एक्चुअली वेम्बनाड लेक है, और मैं जिस होम स्टे पे था, गार्गी कुमारकम विलेज होम स्टे। इधर सारे हाउस बोट्स है, और ये वेम्बनाड लेक के ऊपर ही है। अष्टमुड़ी लेक और वेम्बनाड लेक, ये दोनों लेक ही फेमस है केरला का। ये कुमारकम विलेज का मंदिर है, बहुत ही सुंदर डिजाइन करके रखा हुआ है। कोकोनट लगून ये फेमस है यहाँ का। तो कल रात को मैं इधर से आया था, आज शायद मुझे इधर जाना पड़ेगा कुटीनाड के लिए। ये जो बैक वाटर्स है, ये एक्चुअली समुंदर का लहर जब बैक साइड में आता है, तब ये नदी या कैनल या इनलेट बन के अंदर आ जाती है, तब ये बैक वाटर्स बन जाता है, लेक में जमा हो जाता है ये पानी, तो इसको बैक वाटर्स बोलते हैं। और ये जो सॉल्टी वाटर है समुंदर के, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ये फ्रेश वाटर के साथ मिक्स ना हो जाए, थनीनमुक्कम में केरला गवर्नमेंट ने एक बराज बनाया है बहुत ही बड़ा। तो जी अभी निकल रहे हैं ये कुमारकम से। अभी एक्चुअली मैं बोटिंग के लिए जाऊंगा, तो बहुत ही लेट हो जाएगा। बैक वाटर्स एक्सप्लोर क्या करें, मतलब अभी मुझे पहुंचना है मुन्नार। कुटीनाड देख के फिर मुन्नार पहुंचना है, तो अभी ये एक्चुअली बैक वाटर्स एक्सप्लोर करने में एक दो दिन लग जाता है पूरा, तो टाइम लेके आते तो ज़रूर देखते। अभी निकलना पड़ रहा है, केरला का जो ये बैक वाटर्स है, ये एक्चुअली एक सीरीज है ब्रैकिश वाटर एंड कैनाल्स का, जो कि 900 किलोमीटर्स में फैला हुआ है ऑलमोस्ट। एंड ये आप एक केरला जितना बड़ा है उससे हाफ आप मान सकते हैं, तो बहुत ही बड़ी इलाकों में फैला हुआ है ये बैक वाटर्स। मैं जिस लेक के पास था कल, और ये जो लेक है, ये एक्चुअली वेम्बनाड लेक है, और वेम्बनाड लेक इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है और केरला का सबसे लार्जेस्ट।
230 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये, और कुमाराकम उसी लेक के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। ये एक्चुअली मुझे छोटे छोटे गलियों में से लेके जा रहा है केरला के। अभी 53 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ पे लॉटरी ऐसे बेचते हैं ना, देखो धूप में खड़ी हुई है ये लेडी लॉटरी लेके। और भी बहुत सारे मैंने देखा है, धूप में खड़े हुए रहेंगे, बैठे हुए रहेंगे, लॉटरी बेच रहे। बहुत सारे लॉटरी खरीदते होंगे यहाँ पे लोग। लॉटरी तो इस भाई का नाम है दिलदार और ये असम के तेजपुर के रहने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके। यात किमान दिन हुई से तुम्हार? यात आई से आज धर्मा होगा किंतु आगत बल्ले के तासिल हो। माने केरला ते आसिला तुम्हें? केरला ते आसिला। केरला आज एक बस हो। केरला एक बस हो बो। इस एरिया में भी बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं भाई। ये देखो इतने सुंदर सुंदर घर। तो ये जो इलाका है ये कुट्टनाड़ी है, ये एग्जैक्टली जैसे ये देखो यहाँ पे खेती होते हैं, बिलो सी लेवल खेती होते हैं। और ये एग्जैक्टली ऐसी कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, ये एक्चुअली एक इलाका है। ये देखो ये सब एरिया जो है खेत है और ये पूरा बिलो सी लेवल है, 7 feet बिलो सी लेवल। ये देखो यहाँ पे हर रोड के पास में आपको नाला जैसा दिखेगा और ये सब जो पानी है ना, लोग अपने घर के गंदे पानी फेंकने के लिए यूज़ नहीं करते, ये कपड़े धोने के लिए नहाने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत माउंटेन पासेस में मैंने चलाए हैं ये स्कूटर, आज फर्स्ट टाइम ये बिलो सी लेवल चल रहा है। तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे, बिलो सी लेवल में चला रहा हूँ। इस गांव, ये पूरा गांव ही बिलो सी लेवल है। इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट हो गया K2 एंड इंडिया का लोएस्ट पॉइंट कुट्टनाड़। जी कोट्टायम में आ चुका हूँ, ये सिटी का नाम है कोट्टायम। और ये कोट्टायम एक बड़े शहरों में से एक है केरला के। तो जी ये पहाड़ का रूट थोड़ा सा शुरू हो गया है, अभी हिल एरिया। कौन कौन से रूट से लेके जा रहा है पता नहीं भाई। इधर लोगों से पूछता हूँ, लोग नहीं, लोग भी अच्छी तरीके से नहीं बता पाते कि मुन्नार जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो इधर के ये लोकल एक बंदा मिला था, बोल रहा था कि मुन्नार जाते हैं तो यही रूट है, मुझे देख के रोका था, बातें बातें किया, फिर बोल रहा था कि यही रूट में जाओ। ये भाई है बुलेट लेके जा रहे। ये अभी मैं आ गया भाजाकुलम टाउन पे और यहाँ से अभी भी 80 किलोमीटर है। अभी और एक गांव के रास्ते से लेके जा रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा आज। ज़्यादा किलोमीटर नहीं था, मैंने सोचा जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे तो मुन्नार थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे। कल निकलना है मुझे ऊटी।
बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है भाई यहाँ पे, ये देखो ऊपर। ये देखो और एक बिल्डिंग, बैटरी ख़त्म हो रहा है और इस तरफ ये 2-3 किलोमीटर बाद ही रूट चेंज हो रहा है पूरा एकदम। इतने बड़े बड़े बस आ रहा है, देख के लग रहा है कि यही मेन रूट है। और यहाँ पे घर भाई बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं, देखो इस टाइप के ही घर बने हुए हैं पूरा एकदम। वो देखो आगे एक बहुत ही बढ़िया भाई। ये देखो एक घर, ये देखो और एक घर। इस रूट में ना बहुत सारे रबर और पाइनएप्पल प्लांटेशन देखने को मिला है बहुत, ये सारे रबर है। ये देखो पाइनएप्पल प्लांटेशन ऐसे बहुत सारे है इस रूट पे। केरला इंडिया के सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करता है त्रिपुरा के बाद, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे रबर प्लांटेशन देखने को मिल रहे हैं स्पेशली इस एरिया में। परेशान कर देगा भाई एलएपी से मुन्नार। आएगा नेशनल हाईवे 85, चाय भी पी लिया और मोबाइल चार्ज पे भी लगा दिया, बट अभी मुन्नार पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा हो जाएगा पूरा, तो मैं भी कल देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। अभी भी 60 किलोमीटर है यहाँ से। तो जी ये है पेरियर रिवर ब्रिज, इधर डबल लेन बना सकते थे, डबल और एक ब्रिज बना देते, इतना फेमस रूट है मुन्नार, इतने सारे व्हीकल्स हैं। केरला में मैंने ये देखा कि रोड्स बहुत छोटे छोटे हैं, 4 लेन्स 8 लेन्स तो है ही नहीं केरला में, बहुत ही घना जंगल है इधर। और अकेले चला रहा हूँ, आगे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं है भाई। इधर एक फेमस वाटरफॉल है चियाप्पा वाटरफॉल्स, अभी क्या ही दिखेगा बट लोग है अभी भी इधर। ये है वो वाटरफॉल, अभी एक्चुअली पानी कम है। ये जगह का नाम है इरुम्पू पालम। बारिश गिरना शुरू हो गया अभी, और अभी भी 30 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी बारिश आया तो फिर से रेनकोट वगैरह निकालना पड़ेगा।
ये हल्का हल्का बारिश और थोड़ी बहुत ठंड मिलकर मुन्नार वैली में मेरा वेलकम हुआ। यहाँ से मुन्नार वैली 15 किलोमीटर होगा, तो ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट अच्छा लग रहा है। रेकोंगपियो से घर में एप्पल भेजा था, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है। बहुत ही घटिया सर्विस दिया है ब्लू डार्ट वालों ने। आज भी 3-4 बार कॉल किया तो डिलीवरी नहीं दे रहे हैं। पता नहीं दिया होगा कि नहीं, सड़ गया होगा पूरा एकदम एप्पल्स। तो जी मुन्नार शहर आ गए, अभी होटल्स ढूंढना पड़ेगा। ठंड तो है, इतना भी नहीं है, 10 डिग्री होगा। आसा मोंटानिया देखते ही आप जाके, 1000 के अंदर होगा तब लेंगे, नहीं तो दूसरा देखना पड़ेगा भाई। ये उधर देखा था बट कॉस्टली था रूम। टाउन में आया हूँ, अभी टाउन में देखते हैं। हाँ ये कितने का मिलेगा? नहीं नहीं ऐसी ऐसी नहीं, सिंगल पर्सन है ना, फॉर वन नाइट 500 देखो। अच्छा कैसा रूम है? इधर नहीं है, उधर है ना। कहाँ पे? आओ अच्छा रूम दिखा दो। तो जी मैं आया हूँ अभी लोकल एक मुन्नार की चॉकलेट शॉप पे। यहाँ पे कुछ स्पाइस आइटम भी है और ये कुछ आयुर्वेदिक आइटम्स भी है और टी भी है, टी लीव्स, बहुत सारे तरीके टी लीव्स पे चॉकलेट्स भी है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए कितने तरीके की चॉकलेट्स हैं, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट। तो स्पाइसेस यहाँ के फेमस है, बहुत सारे स्पाइसेस हैं यहाँ पे। सारे चाय के पत्ते कुछ अपने घर के लिए स्पाइस टी खरीदे और ये भी लिया है जो यहाँ के लोकल मुन्नार टी गार्डन्स का है। फिर यहाँ पे ही पैक होते हैं और इधर ही प्रोसेसिंग होते हैं। स्पेशल ये है अपम और मीट फ्राई आ गया और करी आ गया। मार्केट में एंटर करने के बाद एक होटल मिल गया मुझे, 500 रुपीज ही लिया। ये है वो रूम। तो ठीक ही है, कल एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा मुन्नार, फिर उसके बाद मुझे जाना है ऊटी। तो मुन्नार में आने के बाद मैं थोड़ा सा मार्केट में निकला था, मार्केट में एक शॉप पे गया था। शॉप का नाम है जेस चॉकलेट। तो बहुत तरीके के चॉकलेट है भाई उधर, और उनके पास मुन्नार टी भी है, फिर उसके बाद मुन्नार के स्पेशल स्पाइसेस भी है और बहुत सारे चीज़ उनके दुकान में है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।